दिस प्रेजेंटेशन इज अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की प्रोसेस को समझने से पहले हमें उसका बेसिस समझना होगा। जितने भी अर्थ पर ह्यूमन हैं, 99.9% ऑफ जीनोम उनका सेम होता है, ओनली 0.1% ही डिफरेंस वो रखते हैं। तो इतने बड़े जीनोम में कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं? एक एस्टीमेट है कि 3×10^9 बेस पेयर एक ह्यूमन जीनोम के अंदर होते हैं। तो इनमें जेनेटिक डिफरेंसेस देखना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस होगी, क्योंकि अगर दो इंडिविजुअल का कंपेयर किया जाए तो इतने बड़े जीनोम को अगर कंपेयर करें, क्योंकि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ बेस पेयर है, तो डीएनए सीक्वेंसिंग यूज़ की जाएगी। और डीएनए सीक्वेंसिंग बहुत क्विक मेथड नहीं कही जा सकती, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत एक्सपेंसिव भी होगी, और इसका क्विक रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो फिर एक क्विक वे जो है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके डिफरेंसेस को, वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग। अब डीएनए प्रोफाइलिंग को समझने से पहले हम इसका अगर बेसिस देखें, तो आपको पता है ह्यूमन जीनोम बहुत बड़ा होता है। उसमें दो रीज़न मेनली मिलते हैं, नॉन कोडिंग रीज़न जो किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते, यानी एक तरह से वो यूजलेस है, किसी तरह का एक्सप्रेशन नहीं दे रहे हैं, और एक होता है कोडिंग रीज़न जो एक्चुअल में प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। नॉन कोडिंग रीजन जो होते हैं उनमें बहुत सारे डीएनए सेगमेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे बेस पेयर्स ऐसे होते हैं जो बहुत बार रिपीट्स होते हैं, और वो ऐसे डीएनए जिनमें बहुत बार बेस पेयर रिपीट्स हो रहे हैं उसे रिपीटेटिव डीएनए कहते हैं। रिपीटेटिव डीएनए नॉन कोडिंग रीजन का एक पार्ट है। रिपीटेटिव डीएनए दो टाइप के हो सकते हैं, मिनी सैटेलाइट डीएनए, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। आपको यहाँ पर दो डायग्राम शो हो रहे हैं, एक में देखिए CCAACG, फिर वापस वही रिपीट हो रहा है CCAACG, यानी 6 बेस पेयर सेकेंड टाइम भी रिपीट हो रहे हैं, रिपीट्स ऑफ 6 बेस पेयर हो रहा है। इसे मिनी सैटेलाइट डीएनए कहेंगे क्योंकि इसमें बेस पेयर रिपीट होने वाले नंबर्स ज़्यादा हैं। अगर हम कंपैरिजन करें माइक्रो सैटेलाइट डीएनए का, तो यहाँ पर देखिए CA 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 CA, 2 बेस पेयर बहुत बार रिपीट्स हुए हैं, तो इसे कहेंगे माइक्रो सैटेलाइट, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 बेस पेयर रिपीट्स हुए हैं। अगर इन रिपीट्स में साइड्स में, यानी अगर टर्मिनल रीजन कांस्टेंट है, क्योंकि बीच वाले रीजन कांस्टेंट होंगे, अगर टर्मिनल रीजन कांस्टेंट है और बीच में रिपीट्स मिल रहे हैं, वेरिएबल रिपीट्स मिल रहे हैं, तो इसे कहेंगे सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स। इसके अनदर एक और टर्म यूज़ की जाती है, वो टर्म होती है ISSR। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो CG CG AC के बीच में कांस्टेंट रीजन है, यानी CG CG AC एक वेरिएबल रिपीट्स है और कांस्टेंट रीजन इसके बीच में आ रहा है, मिडल में कांस्टेंट है, टर्मिनल रीजन अगर वेरिएबल हो रिपीट्स हो तो उसे कहेंगे इंटर सिंपल सीक्वेंस रिपीट ISSR। और अगर इस तरह के रिपीट्स बहुत सारे वेरिएबल नंबर में एक पॉपुलेशन में एक इंडिविजुअल में मिल रहे हैं और बार बार वन बिहाइंड वन रिपीट हो रहे हैं, तो इसे कहते हैं वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स VNTR। और VNTR वेरिएशन कॉज करता है, पॉलीमॉर्फिज्म शो करवाता है, और यही बेसिस है आइडेंटिफिकेशन इन फिंगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। VNTR को एज ए प्रॉब हम यूज़ करके पैटर्निटी टेस्टिंग करते हैं, जीन मैपिंग कर सकते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉलीमॉर्फिज्म का मेन रीज़न है। और ये पॉलीमॉर्फिज्म वेरिएशन जो आई है म्यूटेशन की वजह से है। जनरेशन टू जनरेशन जब म्यूटेशन एक्यूमुलेट हो जाती है तो वो वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट VNTR कॉज करती है, जिससे वेरिएशंस आते हैं और पॉलीमॉर्फिज्म होता है। पॉलीमॉर्फिज्म को बेस बनाकर, यानी VNTR को बेस बनाकर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। अगर हम प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखें तो ये एलेक जेफ्रे ने सबसे पहले बताई थी। सैटेलाइट डीएनए को हम एज ए प्रॉब, यानी VNTR को हम एज ए प्रॉब यूज़ करेंगे इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है और वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स हैं। VNTR सैटेलाइट डीएनए हम यूज़ कर रहे हैं एज ए प्रॉब। अगर इसका स्टेप वन देखें तो पहले हम आइसोलेट करते हैं डीएनए को, उस डीएनए को डाइजेस्ट ऑफ डीएनए
डाइजेशन ऑफ द डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम करवाया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वो स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट पर कट करते हैं। उसके बाद में डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हमें मिल जाते हैं और इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेशन करवाया जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। इलेक्ट्रोफोरेसिस जब इनको सेपरेट कर देता है तो ये सेपरेटेड डीएनए अब हम ट्रांसफ़र करेंगे सिंथेटिक मेम्ब्रेन पर जो नाइट्रोसेलुलोज और नायलोन होती है। इन सिंथेटिक मेम्ब्रेन पर जब ये ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है लेबल्ड VNTR प्रॉब यूज़ करके। ये लेबल्ड VNTR प्रॉब मीन्स क्या है, VNTR तो टेंडम रिपीट्स हैं और उनको रेडियो लेबल किया गया है रेडियो एक्टिव मटेरियल के थ्रू। फिर डिक्टेशन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट किया जाएगा, क्योंकि हमने इनको लेबल्ड कर रखा था हम ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू इनको डिक्टेट करेंगे। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे इसमें आइडेंटिफिकेशन किया गया। आइडेंटिफिकेशन में देखिए आपके सामने एक डायग्राम है जिसमें हमने दो इंडिविजुअल ए और बी के डीएनए को सेपरेट किया है और उनके VNTR इसमें शो किए गए हैं, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 7 और 16 पर शो किए गए हैं। जब यहाँ पर एक सैंपल डीएनए है सी जो कि हमने सैंपल से निकाला है, सैंपल सेल से निकाला, वो टिश्यू हो सकता है, स्लाइवा हो सकती है, हेयर फॉलिकल हो सकती है या ब्लड सैंपल हो सकता है। उस सैंपल को हमें कंपैरिजन करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है कि वो किसका ए और बी में से किसका है, उसको सिमिलरिटी देखनी है हमें। तो इसके लिए जब हमने डीएनए सी को भी वैसे ही एनालिसिस किया जैसे ए और बी को किया है, उनके VNTR फ्रेगमेंट्स हमने नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे लिए हैं। जब हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है और एनालिसिस किया जाता है तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि बी के VNTR बिल्कुल मैच कर रहे हैं सैंपल सी के VNTR से। इट मीन्स बी और सी सेम सैंपल है, बी जिस इंडिविजुअल का है सी सैंपल भी उसी इंडिविजुअल का है। तो ये टेक्निक आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक यूज़ की जाती है मेनली फॉरेंसिक साइंस में, जहाँ पे हम क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करते हैं मर्डर के केसेस में, या फिर पेरेंटल अगर डिस्प्यूट है उस केसेस में डीएनए टेस्टिंग में यूज़ किया जाता है।